अतिसार निदान, अतिसार चिकित्सा देखें, अतिसार प्रतिषेध या अतिसार चिकित्सा चिकित्सा स्थान में आज हमारी गाड़ी आज ट्रैफिक फार होता है, 15 मिनट तो मना चौकत थांबवा लागल विमान सर। अतिसार उत्तर तंत्र में है सर, अतिसार उत्तर तंत्र में, सुश्रुत में। हाँ उत्तर तंत्र में है, चालीस थैंक यू। श्लोक नंबर सर तीन से पढ़ो। गुरु अतिस्निग्ध उच्च उष्ण द्रव स्थूल अतिशीतलेही विरुद्ध अध्यसन अजीर्णे अजीर्ण रस अजीर्णे ही असात्मेश्च अपि भोजने ही स्नेहादेही अतियुक्तेश्च मिथ्यायुक्ते ही विशाल विशाल भयात शोकाद अदुष्ट शोकाद दुष्ट अंबु मध्य अतिपानात सात्म्य ऋतु पर्यात जल जल अति जल अति जलाति रमणैः कृमि दोषतः नृणां भवति अतिसारो लक्षणं तस्य वक्ष्यते। हेतु की व्याप्ति ध्यान में आ गई, सभी समान है, कोई विशेष अंतर नहीं है। जलाति रमणैः ये एक विशेष मुझे लगा उसमें, इसलिए मैंने उसका उल्लेख किया। वहां पर क्या है, अतिस्नानात है, अतिसार में अतिस्नानात है। यहाँ जलाति रमणी तैरने से भी होगा, जलाति अति तैरने अति प्लवन किया तो भी होगा, पानी में जा रहा खेला तो भी होगा। तो जलाति रमणी ही पानी में ज्यादा देर तक बैठे रहे, खेले रहे, खेलते रहे, नहाते रहे, तैरते रहे तो भी होगा, बाकी सब उसमें परिवर्तन कोई नहीं है। अगला श्लोक, एक श्लोक है वहां पर अत्यंबुपानात विषमाशनाच्य, वो कहाँ है देखो, ठीक है यहां से शुरू करेंगे। संशम्यापान पढ़ो, संसम्यापान धातुरंतः कुशानं वर्तो विश्वो मारुतेन प्रणुन्नः वृत्तो अतिवा अधः सरत्तेशे यस्मात् व्याधि व्याधिं घोरं तो तु अतिसारं आहु। संशम्य सम उपसर्ग है, शम धातु है और संशम्य ये लेबंत है, लेबंत यानी पूर्वकालवाचक धातु साधक विशेषण, कृत्वा मंद करते हुए संशम्य अपान धातुन कृशान अनुवर्चो मिश्रोहा मारुते न प्रणन्नः। यहाँ कुछ प्रिंटिंग में इसमें कुछ फर्क है क्या, यहाँ अग्नि शब्द चाहिए, संशम्यापाम धातुर अग्नि प्रवृद्धः नहीं नहीं सर, बुक में भी नहीं है। हाँ तो ये ऐसा होना चाहिए,
संशम्यापाम धातु अग्नि ही प्रवृद्धः अपाम धातु अग्निम संशम्य संशम्य है ना कर्म कौन है किसको शमन करेगा यहाँ अंतर शब्द है तो वहां पर अंतर के बाद अग्नि शब्द है कई संहिताओं में माधव में है तो संशम्यापाम धातुरग्नि ही प्रवृद्धः कृशान अनुवर्चो कृश व्यक्ति को ज्यादा होता है अनुवर्चो अनुवर्चो मिश्रा मारते न प्रणिन्ना वृद्धो अतीव अधसरति अपाम धातु अग्नि को मंद करते हुए ये करता है या अपाम धातु से अभिप्राय यहाँ पर श्लेष्मा द्रवपित्त और मूत्र ये वायु ये उनको मंद करते हैं संशम्य हाँ एक मिनट है थोड़ा सा परिवर्तन करना है रचना में अन्वय में संशम्य अपाम धातु अंतरग्नि प्रवृद्धः तो प्रवृद्ध ये प्रवृद्ध दोष अग्नि को शमन करते हैं अग्नि को मंद करते हैं और परिणाम स्वरूप अग्निमंद होता है फिर वो संप्राप्ति कौन सी होती है अमविष्य की वो और कोष्ठ यानी महाश्रोतस विदग्ध आहार से मूर्छित होता है और ये अपाम धातु को कोष्ठ में लाता है और अतिसार करता है ये जो संप्राप्ति चरक की है उस अर्थ में इसको लेना है तो अपाम धातु प्रवृद्ध वर्चो मिश्रण सरति अधो अतीव इस प्रकार संप्राप्ति वही है तो यहाँ पर उदक आदि धातुओं को कोष्ठ में लाना ही अभिप्रेत है अगला श्लोक एके कशः सर्वश्च अपि दोषे ही श्लोकेन अन्यः षष्ट आमेनैव च उक्तः केचित् प्रायेण एक रूप प्रकारम् न इति एवं काशी राजस्व उवोचतः दोष तस्य न एक प्रकारः काले काले व्याधि तस्य उद्भवन्ति अब ये होते समय एक एक दोष से होता है सर्व दोषों से होता है दोष ही बहुवचन है शोके न अन्य शोक से एक होता है षष्ठ आमेन च उक्तः केचित् प्राहु प्राहुः विसर्ग है न एक रूप प्रकारम नैव इति एवं काशीराज वचत काशीराज का बोलना है कि एक ही है ये छह प्रकार नहीं है नहीं का प्रकार है क्या हुआ रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस अब इसकी टीका देखेंगे हम लोग केचित आहो से पढ़ो केचित आहो जरा स्पष्ट हो जाएगा समझते भविष्य कई लोग थी केचित राहुर इत्यादि केचित राहुर इत्यादि
केचित् अनेक रूप प्रकारम अतिसारम आहु। उतः ये यहां से है सर, ये रहा, दंदज रक्त अतिसारादि भेदेन बहु प्रकारत्वात् आसिराजश्च तम अतिसारम एव दंदजादि भेदेन ब्रह्म प्रकारम इति हेतो ने एव उमचतः कोप असो हेतु हेतु यद रसन अदन अदन अनंत प्रकारम न उवाचम इत्यादि दोष अवस्था इत्यादि दोष अवस्था आम प्रकार आद्या तस्य अतिसारेण काले काले श्वे श्वे काले तत्र प्रथम आम अवस्था ततः पक्व अवस्था तथा पित्त अतिसारे पित्तलेशेव रक्त अतिसार अवस्था भवति एवं एक दोष अवस्थे अपि अतिसारे दोषांतर अनुबंधेन नंदज आभासता गया एतेन एतेन उक्तम अतिसारः षट् प्रकार एव यांश्च आम पक्व रक्त अन्य दोष अनुबंधाद्य तत्र अनेक प्रकार अवस्थास्ता दोषाणाम एव ये अंतिम पंक्ति महत्व की है। अतिसार भिन्न भिन्न प्रकार के हो सकते हैं, वातज पित्तज कफज सन्निपातिक द्वंद्वज रक्त अतिसार वगैरह वगैरह आम भयज शोकज ऐसे अनेक प्रकार हो सकते हैं, जितने आपको रोग वैसे हो सकते हैं, कृमिज भी हो सकता है, अनेक प्रकार का होता है। ऐसा कुछ व्यक्ति का मत है केचित अहु। अब केचित अहु कहने के बाद यदि उसका निषेध नहीं किया तो वो मान्य है, उसको कहते हैं अनुमत तंत्र युक्ति। तो यहाँ किसी का निषेध अभी तक तो किया नहीं है, आगे देखेंगे। और नेक्स्ट अगला श्लोक नेक्स्ट रन नाभि आयु उदर क्षी तोद गात्र अवसादानि अनिल सन्निरोधाः विट संग आद्यमान अथ अविपाकः भविष्य तस्य भवितस्य तस्य पुरसराणि। हाँ, चरक ने पूर्व रूप नहीं बताए हैं, आता याद आपको अतिसार के पूर्व रूप बताए हुए नहीं बताए, यहाँ बता रहा है, क्या बता रहा है? रुन्ना भी पायु दर कुक्षित ओदह गात्रावसादह अनिल सन्निरोधह विट संग आधमान अथ अविपाको भविष्यतः तस्य पुरस्सराणि। ये श्लोक इसलिए महत्व का है कि अतिसार एक दिन में होता नहीं, अतिसार एक दिन में होने वाला व्याधि नहीं है। धीरे धीरे अग्निदुष्टि आम प्रदोष आम विष और विदग्धाहार मूर्छित दोष वृद्ध दोष यानी आमाशय विदग्धाहार मूर्छित होता है, इतना स्वरा होने को कुछ समय लगता है, इसके बीच में ये उपद्रव ये लक्षण होते रहते हैं और ये बार बार होते हैं। कौन से होते हैं? रुदशूल, रुदशूल का अर्थ है उरस्थान में कहीं ना कहीं आमाशय के पास शूल होना। पायु सन्निरोधा यानी मलन ठीक निकलता नहीं है। कुक्षितोदह कुक्षी में सुई चुभाई जैसी या अन्य कोई वेदना होती है, गात्र शरीर थक जाता है, गात्र थक जाते हैं। अनिल सन्नोरोधा सन्निरोधाह वायु भी अधमान होकर के रहता है, विटसंग होता है अधमान होता है और बार बार अविपाक होता है यानी भोजन जल्दी जल्दी पचता नहीं है, देरी से पचता है। और इसके ऊपर यदि आप फिर चिकित्सा बिना किए भोजन करते रहते हो तो अतिसार होने वाला है। ये प्रक्रिया पूरी चलती रहती है, इसमें
यानी अतिसार एक दिन का नहीं, जब हम कहते हैं कि कल भोजन किया और अतिसार हो गया कुछ खाया, ये सन्निकृष्ट हेतु हो गया। विप्रकृष्ट हेतु क्या था? अग्निदुष्ट हो गया, अजीर्ण हो रहा था, अपने ध्यान नहीं दिया, दोष संचित हो रहे थे और एक दिन अपने गर्द कर लिए हो गया। एक दिन में नहीं हुआ ये, इसलिए ये पूर्वरूप ध्यान में रखने हैं। ये होते हैं तो इसके पहले ही चिकित्सा कर सकते हैं। इसी अवस्था में हम अजीर्ण भोजन, अध्यसन, दिवास्वाप, अत्यंग उपान, ये सब बंद करके रोगी को ठीक कर सकते हैं। अतिसार तक राह देखने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो कुछ नहीं, जा हो जाएगा नहीं। आपको हेतु निकालना है, दोषों की संचय अवस्था, प्रकोप अवस्था है, संशय अवस्था है, और अभी कैसी है? माइक्रो है। और ये बढ़ने के लिए कहीं ना कहीं हेतु बन गया तो रोग हो जाएगा। आप बाहर खाना खा लिए, ये भी हो तो हो सकता है, बाहर कुछ खा लिए पी लिए, ये भी हो तो हो सकता है, संदिग्ध है। इसलिए इन पूर्वरूपों में समझना है, बार बार उदर में शोर, अंग साप, रुचि, देर से करना, और इस अवस्था में अजीर्ण भोजन बार बार करना। अजीर्ण भोजन नहीं किया, थोड़ा रोग ऐसा लग रहा है कि नहीं आज नहीं, ठीक है, व्याधि नहीं होगा, क्योंकि आपने क्या किया, नियंत्रण कर दिया। यदि नियंत्रण नहीं करते हैं, प्रवास में है, बेफिक्री है, चलो अच्छा कुछ दिख रहा है, चम चम चाट भंडार खुला है, लोगों के पास अच्छा आ रहा है, खाएंगे, नहीं चलेगा, आइसक्रीम अच्छा दिख रहा है, खाएंगे, नहीं चलेगा। अतिसार का ये सन्निकृष्ट है तो बनता है। इज इट क्लियर? यस क्लियर। एक दिन की व्याधि नहीं है, कल खाया और आज हो गया, ये दिखता है आपको, परिणाम प्राचीन है। चलो नेक्स्ट, इस पर मैंने दो लेख लिए लिखे थे, बहुत पुरानी बात है। अतिसार अकस्मात नहीं बनता, इसके लिए इतना पूरा होता है, और ये पूर्वरूप कई दिनों तक रहते हैं, इसमें यदि आपने ये नहीं किया तो ये अतिसार में परिवर्तित हो सकता है। लोगों को बहुत अच्छा लगा, लोगों ने उस पर पत्र भी लिखे मुझे, ये कभी हमने सोचा ही नहीं है ऐसा हो सकता है। चल आगे, अगला श्लोक। हाँ, लक्षण आपको ध्यान में रखना है, ऐसे लक्षण अच्छे लगे कभी कभी आपको बोलेगा शूल है, अल्प मनोपूर्ति हो रही है वगैरह वगैरह। पैतिक पढ़ो। दुर्गंध्य उष्ण मेघवान आस्तोय प्रख्यम भीनम स्विन्न देहो अति तीक्ष्णम पित्तातम पित्तम नीलम अलोहितम वा तृष्णा मूर्छा दाह पाक ज्वरार्थः। इसका वर्णन चरक ने किया है, कोई विशेष इसमें एक शब्द आपको थोड़ा सा अधोरेखांकित करना है, पाक दाह पाक। पैतिक अतिसार वाले में गुदापाक, मुखपाक, अंतपाक ये दीर्घ काल रहा तो ये व्याधियाँ हो सकती है। पैतिक हेतु यदि बार बार करते हैं तो ये हो सकता है। गुदावली पाक, गुदापाक, अंतपाक, कभी कभी फिर इसका दीर्घकालीन परिणाम करके परफोरेशन भी हो सकता है, जो लहसुन, मध्य, मिर्ची, लवण, क्षार इनका भोजन बार बार करते हैं, इनमें संभावना ज़्यादा है, सामान्य व्यक्ति में यह संभावना नहीं है।
इसका अभ्यास करते हैं उनको ये होगा। आगे अगला, इस पर ज्वर भी आ सकता है, स्वेद भी आ सकता है। ये कफज है, अब यहां पर ध्यान रखना है खास करके कफज में तंद्रा साधन भक्त द्वेष, ये जो लक्षण है ये समावस्था में भी आ सकते हैं, अतिसार के समावस्था में, अन्य अवस्था में भी आ सकते हैं, वातज पित्तज में भी। हमें निर्णय किस पर करना है, हेतु का आधार पर। भक्त द्वेष उल्लास तंद्रा साध गौरव उनमें भी आ सकता है, लेकिन वो समावस्था में है। यहाँ हेतु यदि कपक है तो ये समावस्था और श्लेष्मा दोनों मिलकर कर रहे हैं। आपको ध्यान कहाँ देना है, नैमित्तिक आहार क्या होगा, रोज का आहार क्या होगा, रुष्ट रोमा ये कफज का विशेष लक्षण है, स्रोतोरोध होकर ठंडी की ठंडी हवा लगने से त्वचा में रोम स्कूप होकर अवरोध होकर ये हर्ष होता है, हर्ष हो जाना, हर्ष यानी रोंगटे खड़े होना। चल आगे, तंद्रा युक्त मोह साध हास्य सोसी वर्चह उर्यान एक वर्ण तुषार्त सर्वोद्भूते सर्वलिंगोपपति कृच्छा कृच्छाश्च आयम बाल वृत्तेषु साध्य। ठीक है, ये चरक ने बताया है, असाध्य संधिपत ने बताया, शायद ये भी संधिपत का ही होगा या तो फिर अतिसार की वृद्ध अवस्था होगी। संधिपात अतिसार लक्षण संधिपात। आगे अगला, अब इसके लिए मैंने आपको सुश्रुत खोलने के लिए कहा, इस श्लोक के लिए हमने तो बात की देखनी थी, लेकिन विशेष रूप से ये देखना था। अब पढ़ो, पैस्तैर भावे ही शोचतो अल्पासनस्य वास्तवेगः पक्तिमापेक्षः जन्तुः उष्टं गत्वा च रक्तं त अदस्तात् काशं वर्चो मिश्रं निपुरुषं सगन्धं निर्गन्धं वा सारयते तेन कृच्छात् शोकोत्पन्नो दुःचिकित्सितो अतिमात्रं रोगो वेद्यः कष्ट एष प्रदिष्टः। शोचतो तैहि भावैहि शोचतो, अनेक कारण होते हैं शोक करने के, किसी का मृत्यु हुआ, जॉब चला गया, कर्जा डूब गया, ऐसे अनेक कारण हो सकते हैं, परीक्षाएं फेल हो गया, बार बार फेल हो गया, तई स्तई भावई ही शोच तो शोक करता है, जिसकी शोक करने की आदत है, हर चीज पर शोक करने की आदत है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भी हो ऐसा करके छटक के चले जाए, चलो आगे जाएंगे, फिर करेंगे, फिर मेहनत करेंगे, सत्व व्यक्ति, और असत्व व्यक्ति शोक करता रहेगा, रोता रहेगा। एक हेतु
दूसरा है तो अल्पाशनस्य, भोजन बहुत कम करता है। आगे शब्द है बाष्प वेग। अब ये बाष्प वेग यानी अश्रु का वेग, बाष्प यानी अश्रु, यदि इसको मार्ग नहीं दिया अपने बाहर में आकर ने दिया बाष्प को रोक के रखा वन्य आवेश, ये बाष्पोष्मा बाष्प द्रव शरीर में रक्त में सम्मोहित होके कोष्ठ में आ जाता है, डायरेक्ट तो नहीं है ना, रोया तो नाक में से आता है, नहीं रोया तो वो तो शरीर में वैसे ही रहेगा प्रकट नहीं हुआ। बाष्पोष्मा वन्यमावेश्य जंतु हो, इसलिए रोना चाहिए, शोक हुआ तो रोना अच्छा है। यदि चार लोगों के सामने रोना नहीं है तो दरवाजा बंद करके घर में जाके अकेले में रो लो, भगवान के सामने बैठ के रो दो, ये रक्ताधिसार का एक कारण है। इसका वर्णन एक शब्द में किया है चरक ने, शोक भयाभ्याम है, भय शोक है ना, षष्ठ संप्राप्ति नहीं दी है। हो गया। अब इसका दूसरा पहलू एक आपको बताता हूं मैं अनुभव के साथ। यह बाष्पोष्मा वंदी में आ गया, ठीक है, अग्नि बंद हो गया, अतिसार हो गया, रक्तासार हो गया, उष्मा है ना, ये अन्य अवयवों में से रक्तस्राव कर सकता है, गर्भाशय, मूत्राशय, आंखें, नाक, कान, गायनोकोलॉजी के एक अध्याय में, मुझको उसका याद नहीं आ रहा मुझे, एक चैप्टर में एक वाक्य है, वाक्य बड़ा अच्छा है, इफ वन अवॉइड्स टू गेट, समझ गया, इफ अ पर्सन अवॉइड्स टू वीप इट मेक्स अदर ऑर्गन टू वीप, समझ गया, जर एखाद्या माणसाने अश्रू रोग की पकड़ रखे, रोए नहीं, तो वो अश्रू अन्य अवयवों को रोने को बाध्य करते हैं, इट मेक्स अदर ऑर्गन टू वी, यहां अतिसार है, हमें अतिदेश तंत्र तो लगाना है कि नहीं, जिसको बार बार शोक होता है, हो सकता है आंखों में खून उतर जाए, कान में से खून आ जाए, नाक में से खून आ जाए, बिना किसी अन्य हेतु के हो सकता है। अब ये कैसा होता है, काकरंते प्रकाशन वगैरह वगैरह बात, काकरंते यानी गुंजा, वर्चो मिश्र पुरुषम, आपको आपको इसको भी रक्ताधिसार से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। रक्ताधिसार में आपको पित्त के हेतु मिलेंगे, अजीर्ण के हेतु मिलेंगे, अपदशन के हेतु मिलेंगे, उनका भी विचार करना है, इसमें भी वो मिल सकते हैं। हो सकता है ये व्यक्ति अतिसार की पूर्व रूपावस्था में हो, पैतृक अतिसार की पूर्वावस्था में हो, और इसमें भी शोक आ गया,
अब हेतु व्यामिश्र हो गया, शोकातिसार प्लस पित्तातिसार, पित्त जो रक्तातिसार। इसलिए आपको ब्लाइंडली नहीं करना है, हेतु भी देखना है, उनका भी त्याग करना है, शोक भी देखना है, उसका भी काउंसलिंग करना है। इस प्रकार आपको सभी बातों को ध्यान में रखते हुए चिकित्सा करनी है। हो सकता है रक्तातिसार संतर्पण जन्य भी हो, चरक ने पित्तातिसार ही कहा है, जो पित्तातिसार ही बार बार पैतृक आहार करता है उसको रक्तातिसार होता है, कहा है विशेष, लेकिन एकांत नहीं है, एकांतिक तंत्रयुक्ति नहीं है। एकांत तंत्रयुक्ति ए वो शब्द आया तो एकांतिक है, ए वो शब्द नहीं आया तो सबको हो सकता है। इसलिए अल्सरेटिव कोलाइटिस ये व्याधि संतर्पण जन्य भी हो सकता है, इसमें खून आता है, और ये भी ठीक होते हैं। कैसे? हेतु बंद करो, हेतु विपरीत चिकित्सा करो, स्वयं शांत होते, और उससे भी शांत नहीं हो तो फिर आप नवनीत, नागकेशर, प्रवाल, गैरी, शतावरी, दुर्वाघ्रत वगैरह वगैरह आप दे सकते हैं। लेकिन आपको पहले यह करना है, अतिसार की संप्राप्ति देखना है। गुरु स्निग्ध मधुर आहार के बाद रक्तातिसार, और ऐसे पेशेंट ठीक होते हैं। हमारा एक इंदौर का छात्र है, उसने ये किया है, रक्तातिसार अल्सरेटिव कोलाइटिस का ट्रीट कर रहा है, ठीक किया उसने। ऐसे ही एक हिमाचल प्रदेश का पेशेंट है, स्टूडेंट है, उसने फोन पे मुझे हिस्ट्री बताई, मैंने बोला इसका दही बंद करो, दूध बंद करो, दिवासव बंद करो, और तिक्त कषाय और आमल के दो, तिक्त तिक्त मधुर और आमल के दो, देखो परिणाम क्या होता है, ठीक हो गया, होते हैं। इसलिए हमें इसको दोनों पद्धति से देखना है, स्टैंप नहीं लगाना एक ही होगा, नहीं हो सकता। संप्राप्ति पूर्वज मैंने पहले कहा आपको कि अतिसार की संप्राप्ति है एक दिन की नहीं है, पूर्वानुवर्ती है। चलो हो गया, आगे कुछ है क्या और करने लायक? प्रसंग तंत्र युक्ति से मैंने इसको आपको बताया, ये श्लोक बताना था मुझे, इसलिए मैंने ठीक है, इसके बाद चिकित्सा है उसको छोड़ देंगे, अपने मूल इस पर आएंगे, अब हम मूल अध्याय पे आएंगे। सरो अम्ल स्नेहाद्य खडो अन्यत् प्रवाहिका यवानां मूंगमाशाणां शालीनां च तिलस्य च बालानां बालबिल्वानां धान्ययूषं प्रकल्पयेत् एकद्यं यमके दृष्टं दरिदाडिमसारिकं वर्चक्षये शुष्कमुखं शाल्य अन्नं तेन भोजयेत् दद्नः सरं वा यमके पृष्ठं सगुणनागरं सूरां वा यमके पृष्ठं व्यञ्जनार्थे प्रदापयेत् अला अम्लं यमके पृष्ठं युषं गृजनकस्य वा लोपाकर सम अम्लं वा स्मित अम्लं कच्छपस्य वा बहिर अति तितिर दक्षाणां वर्तकानां तथा रसः स्निग्धा अम्लः शालेयाश्च आग्रया वर्चक्षय रुजापः अंतरादि रसं भूत्वा रक्तमेशस्य चोभयम् पचेत् दाढ़ीं सारमुण्डं सधान्यस्नेहनागरं ओदनं रक्तशालीनां
तेन आद्यात् प्रबिभेच्च तत् तथा वर्चक्षय कृते व्याधिभिः विप्रमुच्यते। हम चिकित्सा के एक तीसरे स्तर पर आ रहे हैं। हमने प्रारंभ क्या किया था, संरचित दोषों की उपेक्षा या प्रवर्तन या पाचन या निकाल दो, उसके बाद प्रमथ्या दो, प्रमथ्या यानी पाचन क्वार, उसके लिए द्रव्य दिए। उसके बाद अन्न काले लघुनी अन्नानि भोजये, उसका 23 से लेकर 25 तक वो दिया आपने, तकर के साथ युवाओं के साथ दीपन ग्राही वगैरह ये दिया। और उसके लिए अन्नपान में आपको दीपन पाचन द्रव्यों से 26, 27, 28 दीपन पाचन और ग्राही, इनसे सिद्ध आहार देना है। हो गया यहाँ तक, अतिसार की चिकित्सा हुई। कौन से अतिसार की? आमाशय की, बराबर है। अब आगे जो इसके बाद शब्द आया है वो महत्व का है। क्या है इसके बाद? आमे परिणते, इससे अर्थापत्ति में क्या निष्पन्न हुआ, ये चिकित्सा कौन सी थी? आम। यहाँ तक की चिकित्सा आमों की थी, अर्थापत्ति। यहाँ तक आपको हर व्यक्ति में करना है। आमो परिणय होने के बाद फिर लक्षण के अनुसार आप चिकित्सा में परिवर्तन करेंगे। इसमें आमे परिणते निबद्ध मधिसार रहते, उसके लिए कुछ द्रव्य जो पुरुष भेद करने वाले मलसंग दूर करने वाले द्रव्यों से सिद्ध आहार देने के लिए कहा है। बहुस्नेह न भोजयेत, यहाँ तक वो भया है। इसके बाद इसी अवस्था का वर्णन आगे कर रहे हैं। कौन सी? आमे परिणत यस्तु निबद्धम अतिसार्यते, इसी अवस्था का आगे कर रहे हैं। क्या लिखा है? कल कहा बाल बिल्वानाम तिलक कल्कष्ट तत्समहा, बाल बिल्व इनका कल्प, तिलक कल्प दधि सर मले दधि की अम्ल स्नेहाद्या, इनका प्रयोग भोजन में करते हो, ये इन औषध रूप में करते हो, तो ये इस प्रकार की विबद्ध युक्त सप्रवाहिका, ये शब्द देखो 30 का शेखो, आमे परिणत यस्तु विबद्ध प्रतिसारते सशूल सपिच्छ अल्पाल्पम बहुशः सप्रवाहिका, इस अवस्था की चिकित्सा है। आमे परिणत यस्तु विबद्ध अतिसार्यते शूल पिच्छा अल्पाल्पमल और प्रवाह, प्रवाह यानी बार बार जाना, यहाँ प्रवाह का तो जोर लगाना नहीं है, वो अवस्था समावस्था में आती है, निरवावस्था में वो अवस्था नहीं आती। अब इसको मल को निकालने के लिए जो यहां तक अभी दधन सराह खड़ो, खड़ो की टिकाय क्या देखो, हाँ खड़ो क्या है, खड़े है कहाँ पर है टीका? इसकी प्रथम लाइन में इतना लिखा है कलकह स्याद इत्यादि ना खड़ इसके अलावा भी खड़ का वर्णन नहीं है इसमें, तथा अपि खड़ यूस रस विशेष युक्ता नाम संयोग सस्य, पर इसमें खड़ का वर्णन नहीं है सर। ठीक है, तो खड़ का वर्णन अपने सूत्र में देख लो, सूत्र 13 में है सर, उसमें शायद उसने एक ही प्रविचारणा है ना, उसमें हो सकता है खड़ का वर्णन है, उसमें है खड़े है
छह द्रव्यों से बनाया हुआ अम्ल मंत्र है या यूश है। एक खड़ शब्द है, ये शो के लिए है। शो संस्कृत में शो को ख कहते हैं। सशाक पक्वेन कृतो यूश खड़ा है। सशाक पक्वेन है कृतो यूश खड़ा है। सक शाक के साथ किया हुआ पकवा यूश। हाँ। यूश तो उसको खड़ा यूश कहते हैं। खड़ा है यूश तो ये बना के देना चाहिए। और इसके बाद यवानाम मुद्गमाशानाम शालिनाम च तिलस्य च कोलानाम बलयानाम धान्य यूषम प्रकल्पय। इनका यूष करके दो कोल यव मुद्ग माश शाली तिल बाल दिल्व इनका सिद्ध धान्य यूष दीजिए प्रकल्पय। अब उसमें ऐकद्यम यम के भ्रष्टम यम के इति घृत तेले एक में किसी में ऐकद्यम और यम के घृत तेल मिलाकर ऐकद्यम हुआ यम के वा भ्रष्टम दड़ी दधी दाढ़िमो दाढ़िमो सारिकम वर्चक शरीर शुष्क मुखे शाल्यन्यम तेन भोजन शाल्यन भोजन देना चाहिए यदि मलक्षय है तो। ऐसे अनेक कल्प हैं तो अभी हम केवल पढ़ लेंगे, ज्यादा विस्तार उसमें नहीं करेंगे, समझ लेंगे आप। तदनसरा यम के भ्रष्टम सगुण नागरम गुड़ और नागर के साथ यम का स्नेह अथवा दधि की मलई देंगे आप। स्वराम वा यम के भ्रष्टम भ्रष्टम व्यंजनार्थम व्यंजनार्थम प्रदापयेत व्यंजनार्थम प्रयोजयेत। अब यहाँ पर व्यंजनार्थ प्रयोजयेत का ये कर्म कौन है, किसको देना है? दधनासरम वा यम के भ्रष्टम सगुण नागरम गुड़ और नागर इनका व्यंजन बना। गुड़ शुंठी और इसमें आप दही का सर डालो अथवा यमक डालो, उसको भ्रष्ट करो। ये इसको इसको नागर को सगुण नागर को भ्रष्ट करो। उसमें फिर आप दही सर डालो यमक अथवा यमक डालो अथवा सुरा डालो व्यंजनार्थम प्रयोजित। व्यंजन यानी भोजन के साथ थोड़ा थोड़ा देने के लिए दो प्रयोजित। उसके बाद फलाम्लम यमके भ्रष्टम फलाम्लम फलाम्ल द्रव्य है शायद, इसका नाम ही फलाम्ल है। अमचूर ऐसा कुछ इसका नाम है। तो फलाम्ल इसको बारीक करके यमके भ्रष्टम तैल में घृत मिलाकर यूषम गुंजन कश्यवा अथवा गाजर का यूष बना के दो, फलाम्ल दो अथवा गृंजनक दो। लोपाक रस अम्लम वा लोपाक ये किसी द्रव्य का नाम है तो लोपाक रसम अम्लम वा स्निग्धम स्निग्ध अम्लम कच्छपस्य च ये कौन है कच्छप? कच्छप अब इसका मतलब यह है ये लोपाम्ल ये शब्द कच्छप से निगड़ित होना चाहिए, इसकी टीका नहीं है ना, ये देखना पड़ेगा आपको। लोपाम्ल कच्छप गुजराती में लोपड़ी का मास रस से कुछ अच्छा लोपड़ी का ठीक है। तो ये लोपा का रस ये कोई द्रव्य है उसका रस अथवा कच्छप का मांस रस लोपा का मांस रस या कच्छप का मांस रस आप दे सकते हो अम्लम स्निग्ध करके दे सकते हो।
इससे बहुत सीखने को मिलता है पढ़ते तो ये शब्द नए नए दो पाक लोमड़ी तो हाँ बल ही तित्र रक्षा नाम वर्तका नाम रस इनके रस मांस रस ये अधिकरण से बराबर है लोपाक का अर्थ अधिकरण तंत्र से बराबर है क्योंकि ये अधिकरण मांस रस का चल रहा है तो रस वर्तका नाम तथा रस और इसके बाद स्निग्धाम्ला शालयाश्चाग्र्या वर्चक्ष रुजापः अंतरादिरसं पूत्वा मेषस्य मेष मिंडी अंतरादि मध्य शरीर तो उसका मांस रस भी आप दे सकते हो और वो कैसे देना है मांस रस ना सधान्य सस्नेह नागर दाढ़ी अम्ल रस इनसे सिद्ध करके दो मेषस्य अगे ओदनम रक्त सजनम तेन अद्याप प्रतिपेत तत् ये वर्चक्षय के लिए दिए हुए कल्प है यहाँ वर्चक्षय वहाँ पर इनका प्रयोग करना है मूलक्षय होने के बाद मलबुद्धि के लिए इन द्रव्यों का प्रयोग और इसका ये एक प्रकार है इसके अन्य भी है आपको चरक शरीर निकल चरक शरीर तीसरा फिर तो तीसरा है मैं निकालता हूँ खुड़ी का गर्भाग्रंथि नहीं उसमें धातु समान आना समान की वृद्धि करने के लिए कहा धातु वृद्धि करने के लिए कहा सामान्य वृद्धि कारण उसका सूत्र है वो या तो मैं ढूंढ के लूंगा बाद में अभी नहीं मिला था पेज नंबर 311 अध्याय 6 श्लोक नंबर 11 बीच में नीचे से 11 श्लोक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दसवीं नीचे से दसवीं लाइन श्लोक नंबर 11 अध्याय 6 श्लोक नंबर 11 बाल वृत्ति करास्मि में भावा भवंती तद्यदा बलवत पुरुषे देशे जन्मे बलवत पुरुषे काले च ये श्लोक 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 संख्या 11 20 की लाइन नीचे से 10वीं लाइन पुरीषक्षये पुरीषक्षये कुल मास माशो 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 कुंडलाज मध्य अच्छा मध्य आया देखो यहाँ पर लान्य अम्ला नाम वातक्षय अटु तित्त कषाय रुक्ष दंगुषिता नाम ठीक है वातक्षय वो नहीं यहाँ पर पुरुषक्षय चाहिए कुल माशो माशो कुष्मांडो अच्छा मध्य वहाँ मेष मध्य कहा यहाँ अच्छा मध्य कहा कुल माश कहा माश कहा ये इसका भी आप प्रयोग और इसमें अतिसार में अन्य भी पदार्थ दिए हैं कुछ सब्जियां दी है कि जो मलबुद्धि करने वाली है वो भी दिए हैं तो उसके बाद में देखेंगे अपने मूल अध्याय पर तो इनका प्रयोग आप पूरे शिक्षा में कर सकते हो कुल माश माश कुशकुंड अजमध्य पूरी शिक्षा यहाँ पर है कभी कभी पूरी शिक्षा होने से मलप्रवृत्ति कम होती है बहुत थोड़ी होती है और अंतर्कुजन ज़्यादा होता है पूरी से
पुरुषे अंतर पूजा जो ऐसा वाक्य है अकबर का, अंतर पूजन और शूल होता है तो पुरुष क्षय बारह वाक्य पुरुषे वायुरंत्र हाँ पुरुषे वायुरंत्राणी ससज्जम वेष्टयन निवो पुरुषे वायुरंत्राणी ससज्जम वेष्टयन निवो कुक्ष में शूल करता है पार्श्व में कुक्ष में शूल करता है। इन लक्षणों के आधार पर आप पुरुष क्षय समझ सकते हो। पुरुषे वायुरंत्राणी वेष्टयन सशब्दम शूलम समझनाइए ऐसा कुछ है। दोषक्षय धातुक्षय धातुक्षय इसमें पुरुषक्षय का वर्णन है। पुरुषे वायुयंत्राणि सशब्दो वेष्टयन्निव कुक्षो भ्रमति यातुर्द रूपाशि। जोर से पढ़ो इतने रिकॉर्ड वाला पढ़ो। पुरुषे वायुयंत्राणि सशब्दो वेष्टयन्निव कुक्षो भ्रमति यातुर्द्व रुत्पार्श्वे पीड़यन् भृशं। रुत्पार्श्वे पीड़यन् ये अष्टमोदय का सूत्र स्थान का 12वें अध्याय का 11वें अध्याय का पुरुषक्षय के लक्षण है। पुरुषे वायुरंत्राणि सशब्दो वेष्टयन्निव कुक्षो भ्रमति यातुर्द्व कुक्षो भ्रमति यातुर्द्व याति ऊर्ध्वं रुत्पार्श्वे रुत्पार्श्वे पीड़यन् भृशं। ये मैंने फर्स्ट ईयर याद किया है। ये इससे आपको समझ जाएगा इसका उपयोग करना है। संग्रह तंत्र युक्त से योग तंत्र युक्त से वहां लगा ना ये पुरुषक्षय के लक्षण यहाँ नहीं दिए उन्होंने उधर दिए हैं तो उसको आपको लेना है। तो चलो आगे तो इसका प्रयोग आप पुरुषक्षय में कर सकते हैं। आगे चरक कितने बजे आज घड़ियाल नहीं मारेगा 100 12 15 ठीक है प्रयास करता हूँ थोड़ा और खींचना है आधा घंटा। अगला पढ़ो श्लोक बुधनिश्चरणे पढ़ो। बुधनिश्चरणे सूले पानम अम्लस्य सर्पिसः प्रसस्यते नीरामाणम अथवा अप्य अनुवासनम। अब यहाँ बस इस श्लोक में कौन सा शब्द आपको ऐसा लगा कि खट करके लग गए दिमाग को स्पर्श कर गया? निरामाण बुधनिस्सरण यदि बुध भ्रंश होता है तो अम्लस सर्पिशा पानम कहा है। अम्लम संकोचेत संकोचेत याद है आपको अम्लस की व्याख्या अक्षि पूर्व निकोचन अक्षि भ्रुव निकोचन अक्षर भ्रुव का निकोचन ये प्रदर्शन ही है लेकिन ये क्या कहते हैं इसकी व्यव अंतर तक जाती है अर्चिवत संतानवत तो इसलिए अम्लरस देना है। तो ये अम्लरस जो शरीर में जाता है वो संकोच करता ही है। अम्लरस तो सर होता है ना अम्लरस सर होता है ना सर हाँ सर होता है ग्यारह दिन ग्यारह मात्रा में दिया तो आप इमली खाते हो ना कितने खाते हो झट से क्या करते हो ऐसा करते हो अक्षी भ्रुव निकोचन ये प्रक्रिया पूरे शरीर में होती है इसलिए ये खट्टापन ऐसा होना चाहिए कि जो व्यक्त हो। तो निरामाणाम प्रशस्यते क्या देना है अम्लस्य सर्पिशः पानम षष्ठी सर्पिशः षष्ठी है अम्ल सर्पी कौन सा होता है अम्ल सर्पी तो अथवा अनुवासनम उसी का अनुवासन दो। कोई कहता है नहीं मुझे घी नहीं चाहिए पीना नहीं है ठीक है दूसरे बार कैसे पियो तो अनुवासन चांगेरी कोल दधि अम्ल नागर क्षार संयुतम घृतम उत्कोचितम पेयम उदभ्रंश रुजापहम। यहाँ रुजा नाश करने के लिए नागर क्षार का प्रयोग किया है ये शोथ शूल शोथ कम करने वाला है। नागर शोथ कम करता है द्रव धातु से उत्पन्न हुआ शोथ निरामावस्था में तो
उसको कम करने का ये काम करता है, और थोड़ा आम हो तो भी ये पाचन करेगा, इसलिए क्षार डालकर देने की कोशिश करो। आगे स्वच्छ वेद पली मूलम, हाँ पढ़ो। सचव्य पिपली मूलम स्व्यो सुवीड दाड़िम पेव अम्लम घृतम युक्त साध सधान्य अजाजी चित्रकम इति भूतगण से चव्य अधिकृत हो गया। ये अपने पास तैयार करके रखो। बच्चे छोटे आते हैं, छोटे बच्चे में प्रायः अतिसार बार बार होता है, गरीब व्यक्ति में ज़्यादा होता है, कोई डॉक्टर के पास जाता नहीं है, डॉक्टर गए तो जो ठीक करता नहीं है, ऐसी अवस्था कभी कभी होती है। और ये होती क्यों है? विधि योग रहित आहार के कारण होती है। अतिसार केवल एंटीबायोटिक नशे मुक्त है ऐसा नहीं है, कुछ अतिसार विधि विरहित आहार से बच्चों को भी होते हैं, दो ज्यादा तो कभी कभी मातृस्तन्य कफदुष्ट हो पित्तदुष्ट हो तो अतिसार होता रहता है। यदि माता मांसाशन करती है तो भी दुष्ट होता है, और ऐसी सब्जियां कि जो मलवे लग रहे हैं वो खाती है वो भी होता है, और ये कोई बताता नहीं है, एंटीबॉडी लेते रहते हैं, अतिसार चलता रहता है, फिर गुदभ्रंश होता है। तो इसमें पीडियाट्रिक चिकित्सा या में इसका प्रयोग आप कर सकते हो। पहले हितु बंद करना, अतिसार निरामावस्था लाना, स्तंभन लेना, और फिर ये शांगिरिक घृत का बस्ती लेना। क्रम समझ में आया? मैं क्रम बार बार बता रहा हूँ, क्यों? पक्का हो जाए, पक्का हो जाए, और गलती से भी सीधा हाथ घृत पे न जाए, इस क्रम से ही जाए। तो कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा फल मिलता है, और दोबारा नहीं होता फिर। चलो आगे नेक्स्ट। दस मूलोपसिद्धं वा सबिल्व अनुवाशनम सती सतनाह बिल्वे वा बचया चित्रकेण वा इति भूतग्रंथे अनुवाशनम। अब अम्ला आपने दे दिया, अम्ल का प्रभाव आपने थोड़ी देर दे दिया, उससे कुछ कम भी हो गया। अब बल देने के लिए आपको वातशमन के लिए इन द्रव्यों का प्रयोग करना है, अग्निदीप्ति वातशमन और गुद को बल देने के लिए। दशमूल उपसिद्धम वा सबिल्वम अनुवासनम षठी शतव्वा बिल्वैर्वा वचया चित्रकेण वा इति गुदभ्रंशे अनुवासनम। बल देना भी आवश्यक है, वातशमन करना भी आवश्यक है। भ्रंश ये वातज है, वातज व्याधि में चरस विष 80 वात व्याधि में गुदभ्रंश है। क्या देखो, सर है ना? हाँ सर, अनुवासन को जाना से अंश अनुवासन ग्रंथस्य उदार्तिश्च ऐसा है। हाँ, ग्रंथस्य उदार्तिश्च। हाँ, भ्रंशस्य उदार्तिश्च, समझ में आया? अनुवासन क्यों देना है? ज़्यादा क्या बनाए सर? तंत्रोक्ति कुठली बनाई जी? अतिदेवेक्षण। तंत्रोक्ति कुठली? अतीतावेक्षण योगतंत्र प्लस अतीतावेक्षण तंत्र योगी। और ये नहीं किया तो ग्रंथ नहीं समझ में आएगा। पुरुषे वाय ग्रंथानि सचोप जो व्यस्तयन्ति, वो ये कहाँ पर आया? पुरुषक्ष में। तो आपको यहाँ देना, देखना पड़ेगा। तो पढ़ाते समय आपको ये भी पढ़ाना पड़ेगा, लिखना योगतंत्र व्यक्ति ग्रस्तानाम समस्तानाम एकत्रीकरणम और अतीतावेक्षण अनागतावेक्षण, इनका प्रयोग करके यहाँ को लाया है। इसलिए ग्रंथ में कहाँ पर क्या लिखा है ये पूरा ज्ञान होना अनिवार्य है। ठीक है, चल तो अनुवासन देना है, सभी वात व्याधि में अंत में अनुवासन देना है। सभी व्याधियों में रुक्षण के पाद, पाचन के पाद, बलवृद्धि के लिए अनुवासन द्रव्य बदल बदल कर देने हैं।
कभी सिद्ध औषधि से दो, कभी गुरु द्रव्य औषधि, कभी स्निग्ध द्रव्य औषधि, कभी मांसरस का दो, घृत का दो, लेकिन दो। आमुआत ने भी अंत में अनुवासन कहा है, योग रत्ना का बहुत प्रकार सब में। और ये करने के लिए क्या चाहिए, पेशेंट आपके पास उस अवस्था में आना चाहिए, और पेशेंट को जरा ठीक लग गया, सामने खुल गए, चलो मैं चल रहा हूँ, अब नहीं आएगा ना, क्यों आप अभी आएगा तो आप 500 रुपये और लेंगे कंसल्टिंग, तो बोलेगा मैं ठीक हूँ सर, मैं कि ठीक है कि नहीं, ये ठहराने वाला कौन है, मैं हूँ, आप नहीं है, मैं समझाऊंगा आपको, अब मैं पैसे नहीं लूँगा, आप मुझे आके मिलो एक बार। अच्छा चिकित्सक इतना करेगा। चलो आगे। स्तब्ध पृष्ठभूदे पूर्वं स्नेह स्वेदो प्रजोयेत प्रयोजयेत सुसेनंतम मृदुभूतम पिचुना संप्रवेशयेत। हाँ, अब भ्रष्ट है लेकिन अंदर नहीं जा रहा है, इतना करके भी अंदर नहीं जा रहा है, यह बहुत मात्रा में है। यहाँ शब्द भ्रष्ट है, वहां पर क्या था, भ्रंश था ना, भ्रंश है। तो ये जो कुछ व्यक्ति में भ्रंश होता है और वो प्रयास से अंदर चला जाता है, पेशेंट अपने अपनी ट्रिक डेवलप करता है, वो डेवलप करके अंदर चला जाता है, और जहां पर ये अवस्था आती है कि स्तब्ध है, शब्द है ना, रुक गया, आपको क्या करना है यहाँ पर, शब्द भ्रष्ट हुए मृदु स्वेद स्वेद स्नेह स्वेद प्रयोजये सुस्पिन्नम मृदुभूतम। अब ये पद्धति बताइए आपको, एक वाक्य पहले वाक्य में क्या कहा, पहले स्नेह स्वेद देना है, स्नेह स्वेद दो, समाप्त नहीं हुआ, उसका विवरण दे रहे हैं, क्या विवरण, अच्छे से हो जाने पर गर्म कपड़े से गर्म उपवास से बार बार मृदु स्वेद दो, कल को गर्म करके कलक का स्वेद दो, गर्म गर्म दो, वस्त्र गर्म करके कारपास कपड़ा गर्म करके हल्का हल्का स्वेद दो, पाक न होना, ये ध्यान रखो, पाक हुआ तो और प्रॉब्लम आएगा, इसलिए मृदु स्वेद देना। सुस्विन्नम मृदुभूतम, स्वेद से मृदुत्व आता है, स्वेद अध्ययन करिए, स्वेद माधव कराने है, स्वेद एक स्वेद में क्या लिखा है, स्वेद का कार्य स्वेद कब रोकना है, मार्दव मागते स्वेदे जाते जाते च मार्दवे, स्तंभ गौरव निग्रह शूल व्यापर में स्वेदे जाते च मार्दवे स्वेदनात् गिरतिर्मता, शूल व्यापर में स्तंभ गौरव निग्रह संजाते मार्दवे स्वेदे स्वेदन स्वेदनात् विरति मता, स्वेदनात् पंचमी विरति मता, आया ध्यान में, कहीं गलती नहीं करते ग्रंथ का, एक जगह बताया है मार्दव आता है या मार्दव आने तक स्वेद देना है, शूल है शूल कम होने तक देना है, स्तब्धता है स्तब्धता कम होने तक देनी है, मृदु हो गया, अब क्या करेंगे, मृदु होने के बाद हाँ मूल अध्याय पर आओ, मूल अध्याय पर स्वेदे मृदुभूतम संप्रवेश, धीरे 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 कर्पास पिचु या वस्त्र गुनगुना उससे स्निग्ध उससे प्रवेशित करें, और आगे क्या लिखा,
ये कंप्लीट हो गया, आगे नया श्लोक प्रवेश करते हैं क्या संप्रवेशयेत, बस संप्रवेशयेत, इस प्रकार आपको ये करना है और आवश्यक हो तो बंद के प्रकार है सुश्रुत में उसका प्रयोग आप कर सकते हो, के लिए आवश्यक है तो आगे चलो अगला श्लोक। विबंधवात वर्चस्तु वर्चस्तु बहुशूल प्रवाहिक सरक्त पिच्छ पुरुषार्थ क्षीर शोहित्यम अर्हति यमकस्य उपरि क्षीरं धारुष्णं वा पिबेनरः श्रतम एरंड मूलेन बाल बिल्वेन वापयः एवं क्षीर प्रयोगेन रक्तं पिच्छा च साम्यति शूलं प्रवाहिका चैव विबन्धश्च उपसाम्यम्। अब यहाँ अधिकरण बदल गया है, उसको हम कल देखेंगे, नहीं रुकते हैं, कुछ प्रश्न है तो बोलो। किसी को प्रश्न है तो अपना भाई घर मिल करके पूछ सकते हैं। सर यहाँ पे आम परिणत हो गया है फिर भी मल क्यों आ रहा है इतना, फिर भी इसमें आ रहा है ना आमे परिणत है यस्तु, आम परिणत हो गया है फिर भी बार बार मल क्यों आता है, फिर वो मल कहाँ से उत्पन्न होता है? महाश्रोतस की पुरुषाशय की बल कम हुआ है, उसके जो गति का एक बल रहता है आगे का वो थोड़ा सा मंद हो गया है दुबला होने के कारण, अतिशार से दुबला हो गया तो बार बार थोड़ा थोड़ा निकलता है तो उसका बल बढ़ाने के लिए समय लगता है, तो उसके तब तक आपको ये करना है, ये तब तक करना है जब तक बल नहीं बढ़ता है। ये यहाँ पर बात बढ़ा, यहाँ पर बात रुक्स आदि गुण बढ़े हुए हैं उसके। हाँ यानी लघु तो आया है, चातुक्षय हुआ है, लघु तो आया है चातुक्षय, लघु गुण से वही बढ़ा यानी धातु से धातु के स्निग्ध इच्छिल गुरु ये गुण कम हो गया, गुरु ये गुण कम हो गया तो वो बढ़ा नहीं, इसलिए दधि अम्ल इनका प्रयोग कर रहे हैं। चलो कुछ नहीं है तो बंद करो, प्रतीक हेलो बंद करो क्या सर, प्रश्न नहीं है किसी को अभी, चलो ठीक है बंद करते हैं। जन्म तो ऑनलाइन अक्रम से सेमिनार है ना शाम से रहा है।